सबसे पहले तो मेरा सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और दुर्गा पूजा की सभी को बहुत शुभकामनाएं। और मेरा नाम शालू श्रीवास्तवा है, मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ, पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्दी हूँ और ये दोनों मेरी शिष्याएं हैं, वैष्णवी और टिस्या। और हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए आए हैं दुर्गा पूजा के लिए, और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ विश्वजीत दादा को और ईरा दीदी को, जिन्होंने यहाँ पर हमको फिर से एक बार और मौका दिया है कि माता रानी के सामने हम लोग अपनी हाजिरी लगाएं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो कुछ चेंजेस हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग खुशी हैं क्योंकि हमें माता रानी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा आप लोगों का, मतलब क्या करने वाले हैं? हम लोग शुरुआत में तो वंदना ही करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शुरू में हम लोग गणेश वंदना को बहुत ही हम लोग प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि सारे शुभ काम गणेश जी के नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे, फिर सरस्वती वंदना, फिर दुर्गा स्तुति, और फिर हम एक बहुत ही सुंदर महाराज जी की कंपोजिशन है जिसका नाम रुबाई सरगम है, तो वो हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इतने सारे करने के बाद कितना ऊर्जा शक्ति मिलती है माँ के चरणों में आपको? बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। आप बोलेंगे तो हम सारा दिन कथा कर सकते हैं, तो ऊर्जा और शक्ति तो बहुत है। आप क्या बोलना चाहते हैं मैम? आप भी काफी अच्छी लग रही हो, बोलो बोलना चाहते हैं। किस कैसा लग रहा है? यहाँ पे पिछली बार भी आए थे और अभी फिर से ये मौका आप लोग को मिला है, तो कैसा आप लोग फील कर रहे हो? खुशकिस्मत महसूस हो रहा है कि मेरे को यहाँ उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला, और मैं अपने गुरु शालू मैम और विश्वजीत सर को थैंक यू बोलूँगी। क्या बात है, आप मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, पिछली बार भी हम आए थे और इस बार भी हमारा पिछले साल का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था, और वही विश्वजीत जी, ईरा जी, उनकी बेटी और हमारे गुरु माँ की वजह से हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। साथ में माता रानी के दरबार में हम हाजिरी लगा रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। माता दुर्गा की जय हो। और एक मैं जय हो, एक शाम्भवी के बारे में बोलना चाहूँगी कि इनकी बहुत ही प्यारी बिटिया है शाम्भवी, और इतना काम करती है, इनको इतना हेल्प भी करती है, तो उसको भी बहुत ब्लेस करे माता रानी। जय माता रानी। मैं बोलना चाहती हूँ, हमारा दुर्गा पूजा बहुत सालों से हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस पूजा से कितने सारे लोग आते हैं हमसे मिलने, माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो और बहुत सारे स्टॉल लगते हैं और आप लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शोज होते हैं, स्टार्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस बार क्या तैयारी है आपकी, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? नया तो वही शोज होते हैं, और शालू जी का शो है, और फिर 11th को प्रोग्राम है और हमारे सारे आर्टिस्ट आएंगे। कौन कौन एक्टर आने वाला है और आपके पंडाल में कितने लोग? मैं बताऊंगा, वो तो पापा को पता है कौन आएंगे, मैं तो थी नहीं यहाँ पे मुंबई में, मैं बाहर थी तो मुझे पता नहीं है। सर बताइए सर, क्या प्लान है, क्या है? प्लान तो बहुत पहले से हो गया है, हम तो खुद म्यूज़िक लवर हैं, सभी को पता है, मैं परफॉर्म भी करता हूँ ऑन स्टेज। तो माता जी का जो पूजा है ये हमारा 20 साल हो गया, दिस इज़ द 21st ईयर, एंड हमने सोचा नहीं था कि इतने सालों तक हम पूजा कर पाएंगे, लेकिन ये माता जी में शक्ति इतनी है, और ये भी एक भाग्य होता है कि विश्वजीत तेरा हाथ से हमें पूजा लेना है, ईरा तेरा हाथ से मुझे लेना है पूजा, वो ले लेती हैं पूजा, नहीं तो मुझ में कहाँ शक्ति है, वो चाहती हैं इसलिए मैं पूजा कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो पूजा मुझसे करा लेती है। आज शालू जी का ये तो दिल्ली से आई हैं, सुबह आई हैं, आज परफॉर्म कर रही हैं, मतलब हुआ नहीं, आज बारिश के लिए हमारा बहुत प्रॉब्लम हो गया, आज पूजा का शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही वो भी नेचर के साथ कौन लड़ाई करेगा, कोई नहीं कर सकता है, तो लोग भी कम आए हैं क्योंकि बारिश में कोई निकलना नहीं चाहता है, लेकिन आज तो एक शुरुआत है पूजा का, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल से
लोग निकलेंगे, आएंगे, भोग खाएंगे, आज भोग भी नहीं है। तो एक्चुअली पूजा कल से है, आज महाषष्ठी है, षष्ठी पूजा जो है वो होता है। इन एनी केस हमारा इस दुर्गा पूजा के साथ हमारे जैसे हर साल होता है कुछ ना कुछ प्रोग्राम, और कुछ स्टार्स आते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं 20 साल से, ये जो राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, राजेश रोशन, फुल रोशन फैमिली, तो उनको हम आज मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें राजेश भाई ने लिखा, हम मिस कर रहे हैं आप लोगों को। तो यूरोप टूर में गए हैं वो लोग, तो इस बार हम बहुत ही मिस कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे चाहने वाले हैं वो आएंगे। जैसा अनुपम खेर, हमें कन्फर्म किया कि 11 तारीख दादा मैं आऊँगा, सर टिकने के लिए आऊँगा। और कल जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का 100 साल हो रहा है, 100 ईयर्स, तो वो एक म्यूज़िकल इवनिंग कल हमने रखा है जहाँ ये अपना पवन राव आएंगे, मतलब रफ़ी साहब का गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, वो भोपाल से आएंगे कल। और हमारा अजय मदन का ऑर्केस्ट्रा रहेगा, जिन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किया है, और जो वेंकट जी लीड करेंगे पूरा टीम को, तो वो कल हमारा म्यूज़िकल प्रोग्राम है। और भी बहुत बार दोस्त लोग आएंगे, बाकी जो स्टार्स आएंगे हमें पता नहीं, हमने इनवाइट तो बहुतों को किया है तो हमें बिना बताए आ जाते हैं, अचानक देखते हम भी कोई आ गया, आज राजेश जी आए थे, तो ऐसा है। राजेश भी एक हमारे एक टीवी आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, अचानक आ गए, राजेश बलवानी आके चले गए, मिल गए, ऐसे ही आते रहते। सर, यहाँ पे जैसे आम जनता के लिए एंट्री फ्री है या किस तरह क्या है? फ्री है, यहाँ हम कुछ चार्ज नहीं करते, कई जगह करते हैं सुना कि मतलब भोग भी खिलाते हैं कूपन लेके, हम वो सब नहीं करते, हम तो सबको आमंत्रण देते हैं, आप लोग आइए भोग खाइए। क्योंकि हमें एक चीज़ मालूम है, यह हमारा शिक्षा है, इनका और एक नाम है अन्नपूर्णा, जो कि अन्नदान करते हैं, तो अन्नदान जो करते हैं वो है ये अन्नदान, तो अन्नपूर्णा इसलिए नाम है। मैं और मेरी वाइफ 20 साल से हम लोग, और मेरी बेटी शंभवी, तो हम लोग अकेले एक्चुअली 20 साल से हम लोगों ने, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ से होता है पूजा, कैसे होता है। लेकिन इस साल क्या है, हमारे जो राजेश नगी जी हमें सपोर्ट दे रहे हैं, वो इवेंट करते हैं बहुत, तो इस साल हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं अपने आप को, हाँ, क्योंकि वो संभाल रहे हैं सब, तो हो जाता है, कोई ना कोई आ जाता है। जो परफॉर्मेंस करते हैं कुछ ना कुछ माता चरणों में गाना या कुछ आप करते हैं, अगर बोलना चाहे कुछ? मैं तो गाना नहीं गा रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ और मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है। तो हमारा जो परफॉर्मेंस होगा 11 तारीख को, आई विल परफॉर्म एंड अनुपम खेर जी रहेंगे स्टेज पर और भी रहेंगे सब, तो आई विल सिंग फ्यू सॉन्ग्स ऑन 11। मुंबई की जनता क्या मैसेज देना चाहते हैं मुंबई की जनता? मुंबई का जनता नहीं, ये हमारा जनता है। हम कभी ये फील नहीं करते हैं कि हम बंगाल से आए हैं या पंजाब से आए हैं या मुंबई से आए हैं। मैं अपने आप को सबसे पहले समझता हूँ, मैं भारतवासी हूँ, आई एम इंडियन फर्स्ट। वो मुंबई में हो, मुंबई का धरती हो, बंगाल का धरती हो, बिहार का धरती हो, पंजाब का धरती हो, हमारे लिए भारत है, भारत माता। तो मैं ना तो बंगाली हूँ, ना तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ना तो मैं पंजाबी हूँ, आई एम इंडियन फर्स्ट, वो मैं बिलीव करता हूँ। और मैं हर एक देशवासी को, मतलब जनता को यही मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को भारतवासी समझिए एंड प्राउड फील कीजिए कि हम इंडियन हैं। आज इंडिया दुनिया के अंदर जिस जगह पर पहुँच गया है, ये हमने कभी सोचा नहीं था, तो आगे जा रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज वाशिंगटन व्हाइट हाउस में दिवाली मना रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। तो हम हर जगह, अमेरिका में डांडिया हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए, हर एक भारतवासी को गर्व फील करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। माता जी की पूजा हर एक जगह, हमने अमेरिका भी गए, बंगाली जो है उन लोगों का जो संस्था है, हम पूरा अमेरिका में कई जगह हम घूमे हैं, हमें लेकर गए,
तो मैं सबको मेरी तरफ से ये विजयादशमी जो होगा आगे और भी दो तीन दिन के बाद, पहले से मैं उन लोगों को विजयादशमी का शुभकामनाएं देता हूँ सबको। जय माता दुर्गा की। जय जय दुर्गा माता।